बता रहा हूँ खूनी जूस में खून रहता है या भैया क्या डाल के बनाते हैं ये खूनी जूस है। आखिर क्यों है? तो चलिए देखते हैं। आपने तो फ्रूट जूस बहुत ज्यादा पिया होगा हर जगह का, मगर चलिए चलते हैं, आपको पिलाते हैं बनारस का स्पेशल खूनी जूस। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो कैसे हैं आप? तो आज हम यहाँ पे आ चुके हैं लोराबीर चौराहे पे, और यहाँ पे एक भैया है जो कि फ्रूट शेक और यहाँ पे साथ में जूस भी बेचते हैं, जिनकी यहाँ पे जूस की शॉप है। तो चलिए हम इनकी शॉप पे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं इनके पास क्या क्या स्पेशल हमारे लिए। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं भैया की शॉप पे आ चुके हैं। तो भैया कैसे हैं आप? ठीक है। तो भैया आप क्या क्या बेचते हैं अपनी शॉप पे? यही है, बनाना शेक है, मिक्स शेक है, और मुसब्बी है, अनार है, सेब है। भैया आपका टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक लगाए रहते हैं? वही समझ लीजिए 10 बजे से 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। तो भैया एक बार रेट बता दीजिए आपके, क्या क्या मतलब कितने रेट क्या है आपका? वही मुसब्बी का है 30 रुपये, बनाना से 40 का है, और मिक्स का है 50 का। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन रेट से, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा हाई रेट से इनके। तो भैया आप कब से शॉप लगा रहे हैं यहाँ पे अपनी? आज पहला दिन है। तो गाइस आप सुन सकते हैं यहाँ पे आज इनकी फर्स्ट डे है शॉप पे, और यहाँ पे इनका फर्स्ट हम ब्लॉग बनाने आ चुके हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इनका कि भैया हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे बेच सकते हैं, या भैया हमारे लिए क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। क्या बना रहे हैं आज, कौन सा जूस बना रहे हैं आप? जो ट्राई करिए बना दे बढ़िया से बढ़िया। आपके यहाँ स्पेशल जूस हो वो आज बना दीजिए हम लोगों के लिए, क्योंकि आज आपकी ओपनिंग है, हम लोग के लिए स्पेशल जूस बनाइए कोई। बिल्कुल बना के पिलाएंगे। गाइस यहाँ पे भैया हमारे जा रहे जूस बनाने, या शेक जो भी भैया हमारे लिए स्पेशल बनाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं भैया कैसे बना रहे हो उसे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे हमारा शेक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और भैया इसमें कई सारे फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, जिसमें से अभी भैया इसमें बनाना डाल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा बनाना पड़ चुका है, अब भैया इसमें शक्कर डाल रहे हैं जार में हमारे शेक को रेडी करने के लिए, और देखते आगे भैया क्या क्या डालते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अब भैया इसमें डालने जा रहे हैं हमारा एप्पल। तो भैया ने एप्पल को धो दिया है, और उसके बाद भैया एप्पल को कट कर रहे हैं पीसेस में, एंड ये गया हमारा एप्पल जार में। जनरली इनके पास दोनों कैटेगरी अवेलेबल रहती है, अगर भैया से आप भैया आपसे पूछते हैं कि आपको ठंडा चाहिए या नॉर्मल, तो फिलहाल हमें तो यहाँ पे हमारा शेक ठंडा ही चाहिए, बिकॉज यार इतनी गर्मी में और में अगर ठंडे ठंडे शेक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और साथ में अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, और इस टाइम मज़ा ही आ जाएगा। भैया ये क्या डाल रहे हैं? तो भैया ने इसमें फ्लेवर के लिए एक्स्ट्रा कोई जूस डाला है, इनके पास ग्रीन एप्पल फ्लेवर का यहाँ पे इनके पास जूस अवेलेबल रहता है, जो कि एक्चुअली हमारा जो शेक बन रहा है उसे टेक्सचर और फ्लेवर दोनों प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा शेक बनना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं भैया कैसे बनाते हैं इसे। यार मुझे तो लग रहा है कि बहुत मज़ा आ जाएगा यार, ठीक है, बिकॉज ठंडा ठंडा शेक इतनी गर्मी में मतलब लिटरली मज़ा ही आ जाएगा। तो सनी भाई आपको क्या लग रहा है कैसा बनेगा? देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं कैसा बनकर आता है। आई थिंक अच्छा ही बनेगा, एंड सबसे स्पेशल बात यहाँ की तो यही है गाइस कि भैया के यहाँ पे फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे भैया हमारे लिए इनके पास सबसे स्पेशल जो इनके प्रोडक्ट में अवेलेबल है, इनका जो शेक है इनके पास सबसे स्पेशल है इनका, तो भैया हमारे लिए वो रेडी कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको टेस्ट करके उसका रिव्यू भी देंगे। यहाँ पे हमारा जो शेक है वो बन के रेडी हो गया है, अब भैया इसे पॉर कर रहे हैं हमारे ग्लास में। यार देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है यार, देखते हैं भैया इसमें ऊपर से क्या क्या डालते हैं। आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा मस्त बना है। भैया क्या डाल रहे हैं गाइस? जैसा कि आप देख सकते हैं भैया इसमें ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं, और देखते भैया आगे क्या क्या डालते हैं।
तो अब भैया ऊपर से इसमें गरी डाल रहे हैं और भैया ने इसमें थोड़ी सी काजू और किशमिश भी डाली है। यार अब तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, हमारा शेक बहुत अच्छा लग रहा है यार। आई थिंक इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। एंड अब भैया ने इसमें ऊपर से डाला है चेरी। यार क्या लग रहा है यार, देखने में क्या लग रहा है, मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। तो चलिए हमारा शेक रेडी हो गया, अब टेस्ट करके आपको इसका रिव्यू देते हैं। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का मिक्स फ्रूट जूस बनकर हमारे हाथों में आ चुका है। यम्मी दिख रहा है, कितना ज़्यादा टेस्टी। देखकर इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा फ्लेवर इसका। और इसमें देखिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी भैया ने डाला है। और तो चलते हैं अब इसका में हम टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या आखिर इसका टेस्ट कैसा है। तो सनी भाई टेस्ट करके वो बता दीजिए, तो कैसा लगा सनी भाई आपको इसका टेस्ट? बहुत ही मस्त है यार अमन, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, फ्लेवर बहुत अच्छा है इसमें, एप्पल का बनाना और भी भैया ने जो भी इसमें चीज़ें डाले सबकी टेस्ट बहुत ही अच्छे से आ रही है। अमन यार एक बार तुम टेस्ट करके देखो, तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा फ्लेवर है। ओके, तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ इसे टेस्ट करने, देखते हैं इसका टेस्ट है कैसा। अमन बताओ। तो दोस्तों बहुत मस्त भैया, मस्त बहुत मस्त सच में यार, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, बहुत ही जूसी है। साथ में इसमें बनाना का बनाने की वजह से जो इसमें एक इसकी डेंसिटी बढ़ी है, इसके वजह से इसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही बहुत ज़्यादा मस्त है। और रुआबजे जो भैया ने इसमें डाला उसके वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो गया, बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत मस्त है। बनाना शेक तो मतलब बहुत पिया होगा, लेकिन ये कह सकते इससे बिल्कुल आराम से कह सकते कि ये कुछ यूनिक है। तो सनी भैया बहुत ही यूनिक है, चलिए तो अब इसको पूरा ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम। हाँ जी फ्रेंड, हम लोग तो भैया के यहाँ का मिक्स फ्रूट जूस का तो टेस्ट कर लिया है भाई साहब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त फ्लेवर था यहाँ के मिक्स फ्रूट जूस का। मगर भैया का मैंने मेन्यू जब देखा तो इसमें मुझे एक बहुत ही यूनिक जूस का नेम मिला जिसका नाम है खूनी जूस। तो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा आखिर ये है तो क्या, मज़ेदार लग रहा है इसका नाम, आखिर ये है क्या। तो चलिए चलते हैं भैया से खूनी जूस को बनवाते हैं और उसके भी फ्लेवर को टेस्ट करते हैं आखिर है क्या। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ खूनी जूस में खून रहता है या भैया क्या डाल के बनाते हैं ये खूनी जूस है आखिर क्यों है, तो चलिए देखते हैं। तो भैया ऐसा है कि आपके मेनू में खूनी जूस नाम का बहुत ही अच्छा जूस दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो वो खूनी नहीं है, मतलब चुकंदर बोलते हैं उसको, गाजर और चुकंदर मिला करके वही बनता है, तो खून के तरह टाइप का हो जाता है ना। डोंट कंफ्यूज, ये मत सोचिए खूनी जूस में खून होता है। हाँ, खूनी जूस है उसका बस। तो भैया एक गिलास हमारे लिए बनाए दीजिए, थोड़ा सा हम लोग भी टेस्ट कर लें आपके यहाँ के खूनी जूस का। तो गाइस यहाँ पे हमारे खूनी जूस का खून, आई मीन जो यहाँ पे हमारा चुकंदर है उसे, यहाँ पे हमसे माइक गिर गया था। तो यहाँ पे जो जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे खूनी जूस का खून नहीं चुकंदर जो है यहाँ पे, उसे भैया ने निकाल दिया है, जिसे भैया अच्छे से ऊपर का उसका जो लेयर है उसे उतार रहे हैं और उसके बाद अब हमें भैया इसका जूस पिलाएंगे और इसे कहते हैं खूनी जूस हमारा। तो यार नाम तो इसका बहुत ही मज़ेदार है यार, खूनी जूस, आप खुद सोचो कितना मज़ेदार नाम है। तो गाइस अब भैया इसमें ऊपर से कैरेट डाल रहे हैं हमारे खूनी जूस में, तो चलिए देखते हैं भैया आगे इसमें क्या क्या डालते हैं और इसे बनाते कैसे हैं। तो गाइस यहाँ पे भैया हमें बता रहे हैं कि ये अब खूनी हो चुका है, आई मीन इसका जो कलर है वो बिल्कुल मैरून रेड या ब्लडी रेड कह सकते हैं वो हो गया है। तो अब भैया हमारे चुकंदर को कट कर रहे हैं
एंड आई थिंक इसके बाद भैया कैरेट को कट करेंगे और उसके बाद इसका जूस निकालेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या 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 होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जूस बनना स्टार्ट हो गया है। भैया इसमें बारी बारी करके चकुंदर और उसके बाद यहाँ पे गाजर को डाल रहे हैं एंड उसका जूस निकाल रहे हैं भैया यहाँ पे जूसर से, जो कि यार देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए इसे टेस्ट करके बताते हैं कि भैया के खूनी जूस के खून का टेस्ट है कैसा। तो एज़ यू कैन सी हमारा जूस बन के रेडी हो गया। भैया इसे हमारे जूस के ग्लास में पहले भैया यहाँ पे सॉल्ट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ भैया सॉल्ट डाल रहे हैं इसमें, और थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं भैया। एंड इसके बाद भैया इसमें जूस डालेंगे। नहीं नहीं गाइस, वेट वेट वेट। तो भैया अब इसमें जूस नहीं, सॉल्ट के ऊपर से इसमें लेमन डाल रहे भैया। अब यहाँ भैया ने इसमें डाला लाइम वाटर, लाइम जूस, एंड इसके ऊपर से भैया आई थिंक डालेंगे इसमें डायरेक्टली पॉर कर देंगे हमारे जूस को। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा जूस हमारी ग्लास में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका टेस्ट है। बन के रेडी हो गया है एंड ऊपर से भी इसमें थोड़े से सॉल्ट का यूज़ किया। भैया ये ऊपर से क्या डाले सर इसमें? भैया ऊपर से इसमें जीरा और नमक का यूज़ किया है। तो हमारा जूस बन के रेडी हो गया। आप सनी भैया से टेस्ट करके आपको इसका रिव्यू। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा खूनी जूस तो बनकर हमारे हाथों में आ चुका है। अमन बता रहा हूँ, नाम तो सुनकर मैं तो थोड़ा डर गया था मगर जब सामने आया तो कुछ ही और ही अच्छा लगा देखकर। मुझे लगा था कि नवरात्र में हमसे पाप होने वाला है ऐसी कोई बात नहीं भाई, बता रहा हूँ ना कि बचपन में मैंने ड्रैकुला वाली मूवी बहुत ज़्यादा देखा है, मगर आज सच वाला फील आ रहा होगा। ड्रैकुला वाला फील आ रहा है कि शायद खून वून पीने जा रहा हूँ मैं। मगर गाइस एक खूनी जूस है, इसमें खून वून का कोई भी चीज़ है नहीं। ये आपका चकुंदर से बना हुआ है, चकुंदर और गाजर से। हाँ, तो भैया गाइस अभी हमने बताया कि इसमें चकुंदर और गाजर दोनों से मिल के बना हुआ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, इसका कलर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। तो सही भैया, अपने बचपन का सपना पूरा करिए, ड्रैकुला बन के। हाँ, आज सोच रहा हूँ ड्रैकुला बन ही जाऊँ, मगर चलो टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा टेस्ट। ब्लड को बढ़ाता है। क्या भैया? ब्लड को बढ़ाता है। नहीं तो आप जान सकते हैं कि चकुंदर से तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और यहाँ पे अभी हमें भैया ने बताया कि मैक्सिमली इसका जो मेनली इसका एडवांटेज है वो हमारे ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने में है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों को बहुत ही अच्छे अमाउंट में बढ़ाता है। तो सनी भी इसका टेस्ट कैसा है हमारे खूनी जूस का? यार टेस्ट ही बहुत बेस्ट है यार। अमन इसमें नींबू और जो भैया ने लास्ट में जो ये मसाले डाले इसमें ऊपर से, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यूनिक कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त। मतलब पीने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। तो गाइस मैं अपना खूनी जूस को कंप्लीट करता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। एंड गाइस हाँ, मैं एक बार भैया के शॉप की लोकेशन बता दूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने हमारा लौरा बीच चौराहा और ठीक यही चौराहे पे यहाँ पे रेड जी की शोरूम है और शोरूम के जस्ट बाहर यहाँ भैया की शॉप है। तो हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनकी शॉप का पूरी डिटेल्स दे देंगे। तो जब भी एक बार यहाँ पे आए, एक बार इनकी खूनी जूस को तो ज़रूर ही टेस्ट करिएगा। खूनी जूस और मिक्स फ्रूट जूस दोनों बहुत ही बेस्ट है दोनों। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।